तो हेलो गाइज, हम आ चुके फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें गाइज हम बात करने वाले फ्री फायर स्पोर्ट कम्युनिटी के अपडेट्स के बारे में। तो गाइज ये वीडियो आपको पूरा देखने के बाद फ्री फायर स्पोर्ट कम्युनिटी की सभी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उसी के साथ गाइज हमारे चैनल पे जो भी नए बंदे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपको हर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं। ठीक है गाइज, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज हमारा आज का सबसे पहला अपडेट है हमारे बुया ओपन टूर्नामेंट के बारे में, जो कल लाइव हुआ अपने बुया पे। तो गाइज उसके कल के डे में हमारे हेड हंटर्स ने टेबल टॉप किया 122 पॉइंट के साथ। सेकंड नंबर पे हमारे सिक्स सेंस आई और थर्ड नंबर पे हमारे यूजी टेकर्स आई। और गाइज आपको पता है सिक्स सेंस बैक आ चुके हैं, ठीक है। और जो हेड हंटर्स है गाइज उन्होंने बहुत ओपी लेवल खेला, 122 पॉइंट्स मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। और उसी के साथ गाइज जो अपने सिक्स सेंस है उन्होंने भी बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। यूजी टेकर्स भी अच्छा खेली, मतलब सभी टीम्स अच्छा खेली। और गाइज आप पूरा पॉइंट टेबल पॉज करके पढ़ सकते हो। तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट है हमारे स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज के बारे में। तो गाइज जो कल का डे हुआ स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज का, उसमें गाइज हमारे टीएजी आर्मी ने टेबल टॉप कर लिया 173 पॉइंट के साथ। उसी के साथ गाइज अपने सेकंड नंबर पे गैलेक्सी रेसर आई। और गाइज मैं आपको बता, जो टॉप टू टीम्स है वो सीधा हो चुकी इसके ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई। और गाइज जो ग्रैंड फाइनल होने वाला है वो लैंड होने वाला है, मतलब गाइज यार देखने में तो बहुत मजा आने वाला है। हालांकि टोटल गेम में क्वालिफाई कर जाती, लेकिन वो तो बहुत थोड़े पॉइंट से ही रह गई क्वालिफाई करने से। और गाइज आपने कल के मैचेस देखे होंगे तो आपको पता है टीएचजी आर्मी कैसे खेली। और गाइज मैं आपको बता दूं, इधर इतने क्लैश लैंडिंग्स हो रहे थे, बहुत सारे क्लैश लैंडिंग, बहुत सारी टीमों ने ड्रॉप लोकेशन भी चेंज कर दिया था, क्योंकि गाइज क्लैश लैंडिंग और टारगेट किया जा रहा था। और फिर भी टीएचजी आर्मी ने गाइज इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया, मतलब बहुत ओपी लेवल परफॉर्मेंस दिया। तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट है हमारे बुया बिग ब्लास्ट टूर्नामेंट के बारे में, जो कल लाइव हुआ अपने क्रिटिकल एक्स पे। और गाइज उसमें हमारे गाइज टीम इलाइट ने टेबल टॉप किया 76 पॉइंट के साथ। सेकंड नंबर पे टाइटेनियम और थर्ड नंबर पे टूबी गेमर। और गाइज बाकी का पॉइंट टेबल आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है गाइज। तो गाइज टीम इलाइट है जिसमें कल तने जो ओपी भी खेल रहे थे। और गाइज टीम इलाइट ने कल बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया, तने जो भी खेल रहे थे, आरडीबी और लाइव फॉक्स और आइकॉनिक खेल रहे थे, ठीक है गाइज। और गाइज जो तने जो ओपी है वो बस हमारे टीम इलाइट में एज अ ट्रायल कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो परमानेंटली नहीं आए, क्योंकि गाइज उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं किया, कुछ बताया भी नहीं। तो वो ट्रायल कर रहे, अगर अच्छा होता है परफॉर्मेंस उनका टीम इलाइट के साथ तो वो भी खेल सकते हैं। और उसके साथ गाइज मैं और एक चीज बता दूं, कल जब जॉन्टी भाई बुया पे लाइव थे तब उन्होंने जो तनेजा को टीम इलाइट में लेने के बारे में कुछ बोला, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लो। अगर आइकॉनिक बोला कि वो खेलेगा तो मैं तनेजा को लूंगा। तो भाई जैसे कि अपने जॉन्टी भाई ने कहा, अगर आइकॉनिक रश करने के लिए रेडी है, मतलब वो रशर का रोल निभाने के लिए रेडी है, तो वो तनेजा को ले लेंगे एज अ ग्रेनेडर, क्योंकि वो तनेजा को रशर नहीं लेना चाहते, बस वो ग्रेनेडर ही लेना चाहते हैं तनेजा को। उसी के साथ गाइज हमारा और एक अपडेट है हमारे टीम इलाइट के तनेजा के बारे में ये। तो गाइज आपको एक सबसे पहले छोटा सा क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ, मैं उसके बाद समझाता हूँ एग्जैक्टली सीन क्या है। तो गाइज जैसे कि आपने देखा हमारे तनेजा को टीम इलाइट का ऑफर आ गया, ऐसे अपने मिस्टर जय वाई टी ने कहा। और गाइज मेरी सबसे जय ने अपने जय नहीं तो टीएसएम ने पूछा होगा तनेजा को टीएसएम में बुलाने के लिए, तब अपने तनेजा ने शायद बताया होगा कि उनको तो टीम इलाइट का ऑफर आ चुका है। तो शायद उस वजह से अपने मिस्टर जे वाई टी ने बताया होगा कि तनेजा को टीम इलाइट का ऑफर आ चुका है। अब इसके ऊपर मेरे को कंफर्म नहीं पता कि ऐसा ही सीन हुआ है, लेकिन गाइज मिस्टर जे वाई टी ने तो बोला ही तनेजा को टीम इलाइट का ऑफर आ चुका है। तो गाइज आपको और भी चांसेस अब बढ़ गए अपने तनेजा टीम इलाइट में परमानेंटली खेलने के। और गाइज जो भी मेरे को क्लिप्स अपडेट्स मिलती है मैं आपको बताते रहता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई इसी टीम का बता रहा हूँ, मैं जितने भी टीम का किसी भी टीम का मिलता है तो मैं आपको बताते रहता हूँ, और मेरा काम भी है बताने का, ठीक है गाइज। तो ऐसा मत समझना भाई तू इसी टीम का बार बार बता रहा है, वही टॉपिक के ऊपर बता रहा है, लेकिन उसी टॉपिक के ऊपर गाइज मेरे को कुछ नया अपडेट्स मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। और गाइज मैं और एक चीज आपको बता दूं, अगर तनेजा टीम इलाइट में ज्वाइन भी हो जाते तो उनको सिक्स प्लेयर उनको नहीं खिलाना चाहिए, उनको फोर्थ प्लेयर खिलाना चाहिए, क्योंकि गाइज पिछली बार भी मतलब जब पहले टीम इलाइट में खेलते थे तब भी उनको चांस नहीं मिला था ज्यादा, तो उस वजह से उन्होंने टीम छोड़ दिया था। लेकिन इस बार अगर चांस मिलता है उनको टीम इलाइट में फिर से खेलने का तो उनको एज अ फोर्थ प्लेयर मिलना चाहिए। वैसे तो जॉन्टी भाई तो
खेलने वाले नहीं है, मतलब ज़्यादा जॉन्टी भाई तो आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, बस RDP तने जो पी किलर आइकॉनिक और पहाड़ी दिखाई देंगे। मतलब गाइज तने जो को एज अ फोर्थ प्लेयर खिलाना चाहिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट अपने पहाड़ी गेमिंग की तरफ से, तो गाइज जैसे कि मैं स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, अपने पहाड़ी गेमिंग ने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी रखी थी अपने तनेजा के साथ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, पहाड़ी गेमिंग अब बूट कैंप पे नहीं है टीम इलाइट के, वो अपने घर में चले गए फिर से वापस। और गाइज शायद आपको पता भी होगा तनेजा और पहाड़ी गेमिंग पास में रहते तो उनका मतलब शायद वो मिले होंगे एक दूसरे को, उस वजह से उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी रखी, ठीक है गाइज। तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट है हमारे एपी जेहर की तरफ से। तो गाइज एपी जेहर ने अपने कल इंस्टाग्राम पे एक Q&A किया था, उसमें गाइज एक बंदे ने उनको पूछा था आपने UG लेफ्ट की, तो उसके ऊपर उन्होंने रीजन बताया उन्होंने UG क्यों छोड़ दी। तो गाइज उन्होंने कहा वो बंदे मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है, उनसे मैं बकचोदी किया बिना नहीं रह पाता, जो कि परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहा था, उस वजह से UG छोड़ दी, ठीक है गाइज। तो मतलब आप समझ गए होंगे अपने एपिसियर ने UG एम्पायर को क्यों छोड़ दिया, ठीक है गाइज। हमारा नेक्स्ट अपडेट अपने रॉकी भाई के बारे में। तो गाइज रॉकी भाई ने एक अनाउंसमेंट किया, तो वो अनाउंसमेंट क्या कि आप खुद देख लो। रॉकी भाई आप मेरे को बताओ, अनऑफिशियल टूर्नामेंट में ओपन क्वालिफायर्स क्यों नहीं होता है? आप नहीं चाहते कि क्या अंडरडॉग टीम को मौका मिले? कुछ तो करो भाई। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है और आपको तो पता है जो वादा मैं करता हूँ वो कुछ भी हो जाए मैं निभा के रहता हूँ। ये मेरा वादा है आप सबसे, मुझे सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं दोबारा से कम हर टूर्नामेंट के लिए 2,500 टीमों का ओपन स्लॉट बिना रजिस्ट्रेशन फीस के फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करूंगा। ये मेरा वादा है। ऑल द न्यूज चैनल्स आई वॉन्ट टू कवर अप दिस थिंग्स, प्लीज इसको अनाउंस कर दीजिए। तो गाइज हमारे जैसे कि रॉकी भाई ने कहा कि फिर से वो अंडरडॉग टीम्स को चांस देंगे, लगभग 2,500 स्लॉट्स रखेंगे अपने अंडरडॉग टीम्स के लिए, और गाइज वो उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है वो सब चीज़ें करने में। तो गाइज इसके ऊपर कुछ भी मेरे को पता चलता है मतलब कब स्टार्ट होगा, कैसे आप खेल सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले, तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट है अपने सिक्स सेंस की तरफ से। तो गाइज आपको पता है हमारे फैब इंद्रो ने सिक्स सेंस फिर से फॉर्म कर लिए, और गाइज उनका लाइनअप का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, मतलब जो सिक्स सेंस की न्यू लाइनअप है मैं गाइज आपको बता देता हूँ। अपने फैब इंद्रो खेलेंगे एज ए लीडर, एमेद्रॉन खेलेंगे उसमें, उसके साथ जियान भी खेलेंगे, उसके साथ स्केलेटन भी खेलेंगे, और उसी के साथ जो टाइटेनियम के CM है वो भी आपको खेलते हुए अपने सिक्स सेंस में दिखाई देंगे। और गाइज ये नई लाइनअप होने वाली मिस्टर JYT और ओल्ड मॉन्क इसमें नहीं खेलने वाले, वो TSM में ही खेलने वाले, और उसके साथ TSM में अपने इल्यूमिनेटी भी खेलने वाले, मतलब अपने इल्यूमिनेटी मिस्टर JYT और ओल्ड मॉन्क और 2 बंदे शायद वो नए ले सकते हो, कौन लेने वाले इसके बारे में मेरे को कुछ पता चलता है तो उनका भी मैं आपको बता दूंगा। और गाइज ऐसी अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और गाइज ऐसी अपडेट्स मैं डेली देते रहता हूँ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट है अपने ताहिर फोगो की तरफ से। वैसे ताहिर फोगो ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी रखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था ना पापा हो भाई ना बेटे #instantkarma, और किलर को भी टैग किया था, उसके साथ मेहुल को भी टैग किया था। तो गाइज उन्होंने ऐसी स्टोरी क्यों रखी थी उसके बारे में मेरे को थोड़ा ही पता है, ठीक है गाइज सब कुछ मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, कंफर्म नहीं पता, लेकिन जो पता है गाइज वो मैं बता देता हूँ। तो गाइज जैसे कि मैं स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, बहुत सारे बंदे मेरे को इंस्टा पे बोले कि ताहिर फोगो ने TJ को टारगेट करते हुए स्टोरी रखी है, मतलब गाइज ये TJ और मतलब गैलेक्सी रेसर का कुछ सीन है, क्योंकि गाइज आपको पता है जो ई-स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज हुई थी जिसका मैंने रिजल्ट भी आपको बताया था फर्स्ट में, तो उसमें हमारे गैलेक्सी रेसर क्वालिफाई कर पाई और TJ और अपनी TJ की सेकेंड लाइनअप क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो उसके ऊपर ही कुछ सीन है, मतलब टारगेट कुछ हुआ था उधर, और आपने भी देखा होगा तो आपको पता ही होगा, तो ऐसा ही कुछ सीन है, लेकिन कन्फर्म मैं बता नहीं रहा हूँ। तो आपको पता है इसके बारे में डिटेल्स में तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, कोई सच में मेरे को अच्छे से बताता है तो मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना के दोपहर में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतनी अपडेट्स आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी सेट कर देना, ठीक है गाइस।